देखिए आज बाहर बहुत धूप भी है। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करती हूँ। आप सबको नमस्कार मेरी तरफ से और मेरे छोटों के लिए ढेर सारा प्यार। हस्बैंड सुबह जाकर मार्केट से फिश ले आई, बहुत बड़ा फिश ही है। और यहाँ मेरा राइस भी हो गया और अभी ले आया फिश। नहीं पता ऑफिस जाने से पहले बना सकूँगा या नहीं। पहले वीडियो बनाना जरूरी है, इसीलिए बना रही हूँ। पहले अच्छी तरह से साफ कर लेती हूँ फिश को। एक किलो से ज़्यादा हुआ, बहुत ताज़ा फिश है। हस्बैंड बोल रहे हैं तो हस्बैंड भी धो रहे हैं, क्योंकि हस्बैंड धोने से जल्दी हो जाएगा ऐसा बोल रहे हैं। मैं धीरे धीरे करूँगी। इसका सर उस तरफ से ये सब धो दिया और बाकी ये सब रहा, इसका लेज और ये सब बाकी रह गए। फिश करी के लिए मैं यहाँ टमाटो, प्याज और कुछ दो कलियाँ लहसुन की और साथ में धनिया पाउडर और जीरा पाउडर ही जाएगा। तो चलिए अभी फटाफट कर लेती हूँ। और ये जो मिर्च देख रही है, मैं फटाफट बाहर से लेकर आई क्योंकि मैं गमले में लगा रखी हूँ मिर्च। तो यहाँ नमक, हल्दी और कुछ मसाले ले लिया हूँ और तेल भी ले लिया हूँ फिश को मेरीनेट करने के लिए। मेरीनेट करने के लिए टाइम नहीं है, डायरेक्ट ही फ्राई कर लूँगी, नहीं तो हस्बैंड को देर हो जाएगा। हस्बैंड निकल जाने के बाद कुछ ऐसा नहीं बनाती हूँ क्योंकि बुरा लगते है, ऐसा लगते है मैं ही बनाती हूँ, मैं ही खाती हूँ, तो ऐसा कभी नहीं करती। जो भी बनाती हूँ हस्बैंड निकलने से पहले ही बनाती हूँ। तेल से अच्छी तरह धुआं निकलने के बाद मैं हल्दी ऐड किया क्योंकि नहीं तो मछली देने से या कुछ देने से तेल छिटकता है। इधर फिश फ्राई हो जाने के बाद इसी कढ़ाई में प्याज भी दे दिया और प्याज भी थोड़ा सा लाल हो जाए तो के बाद टोमेटो भी दे दिया। और टोमेटो देने के बाद नमक और जीरा, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर सब कुछ दे दिया, नहीं तो देर हो जाएगा। जल्दी जल्दी सब कर रही हूँ। अभी थोड़ा सा मिर्च पाउडर भी ऐड किया हूँ। अच्छी तरह से मसाला फ्राई हो जाने के बाद मैं यहाँ पानी भी ऐड कर रही हूँ थोड़ा ग्रेवी के लिए। ग्रेवी बॉयल हो जाए तो इसके बाद मछली को भी दे रही हूँ। मछली देने के बाद मैं जल्दी जल्दी छत पर जाकर मैं ये बड़े वाली धनिया पत्ती ले आई हूँ क्योंकि ये धनिया पत्ती बहुत ही खुशबूदार होती है और फिश में डालने से बहुत अच्छी भी लगती है टेस्ट में। फ्रेंड्स, मछली की करी भी बन गई।
बाय। यहाँ बेटा भी रेडी हो गया और हस्बैंड के साथ जा रही है अभी बस स्टैंड से उठ। तो फ्रेंड देखिए घर का हालत क्या है, किचन का हालत पूरा ही साफ करना पड़ेगा, पूरा ही साफ करना पड़ेगा। किचन का हालत बहुत ही बुरा है और बहुत सारे बर्तन भी हैं तो इधर उधर बिखरे हुए हैं, सब कुछ सामान सब बिखरा पड़ा है और फिश भी अभी तक गया है, धो कर रखी थी, हस्बैंड ने ही धो दिया, फिर से मैं धोया। अभी किचन पूरा ही क्लीन है, बर्तन वगैरह सब कुछ साफ हो गया। फ्रेंड्स नहाना हो गया कंप्लीट, पूजा भी कंप्लीट हो गया, तो अभी आराम से चाय पीऊँगी क्योंकि सुबह का चाय मैं इतनी जल्दी नहीं पी सकती, तो धीरे धीरे मैं चाय पीती हूँ आराम से। तो अभी एडिटिंग करूँगी और चाय पीऊँगी। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ बाद में, बाय बाय। फ्रेंड्स अभी कर लेती हूँ लंच, हो गया है लंच टाइम। तो आज के लंच के थाली में है राइस के साथ है फिश करी और फ्राई। ये गुड मम्मा आ गया है प्रज्ञान स्कूल से। स्कूल कैसा रहा? बहुत अच्छा हुआ गाइस, धूप है बहुत। मिलती हूँ बाद में, बाय बाय। अभी बेटे को लेकर जा रही हूँ ट्यूशन, 6:30 हो गया और हमारे यहाँ बेटी है मेरा, मतलब लाइट है अंधेरा है वो बोल रहे हैं। फ्रेंड्स बैठ गई हूँ अभी ऑटो में, तो चलिए टीचर के यहाँ। फ्रेंड्स अभी बेटे का छुट्टी हो गया, अभी जा रही हूँ घर। फ्रेंड्स हो गया डिनर की तैयारी, आज के डिनर में रोटी बनाई हूँ, तो रोटी के साथ एक करी और ढेर सारा सलाद लिया हूँ। तो फ्रेंड्स अभी कर लेती हूँ डिनर। फ्रेंड्स हो गया डिनर कंप्लीट, तो आज का ब्लॉग यही एंड करती हूँ, मिलती हूँ अगले ब्लॉग पर, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रही है यहाँ पे। क्या लबे सीरी सा लग रहा है, दिल गार्डन गार्डन तो।